कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, लोकल बाजारों के भाव, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, केएलसी सीबॉट में क्या स्थिति है, साथ ही साथ बाजारों में किस तरीके से इंडोनेशिया में क्या स्थिति है, किस तरीके से केएलसी में किस तरीके से कामकाज होगा, एडविल ऑयल में बाजारों में कितनी गिरावट आई है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे और खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत में आप देखेंगे एडविल ऑयल में लगातार बाजारों में होली के बाद से बाजारों में गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। 14 मार्च को जो सोया रिफाइंड 103 रुपए का जो पीक बनाता हुआ नजर आया, मार्च में लगभग 8 रुपए किलो तेजी बनाने के बाद इस समय आप देखेंगे 10 रुपए किलो के बाजारों में गिरावट भी देखी जा रही। जैसे बाजारों में 17 रुपए किलो की तेजी बाजारों में देखी गई थी, उसी के तहत बाजारों में गिरावट भी देखी गई। ओलिन ने 18 मार्च को 98 रुपए का पीक किया था, 18 दिन में 10 रुपए किलो की तेजी करके अभी फिलहाल आधी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे वर्ल्ड में अगर एडविल ऑयल की अगर बात करी जाए, तो वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में केएलसी में उसका इंपैक्ट, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मौसम में कोई भी विशेष खराबी बाजारों में नहीं देखी जा रही है। सस्ते फर्टिलाइजर की वजह से पाम ऑयल का उत्पादन आने वाले समय में और भी बढ़ने की उम्मीद है। अगले साल 12 से 18 महीने वो आगे आने वाले समय में बाजारों में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में, आपको केएलसी में देखने के लिए मिलेगा। मगर आप देखेंगे कि बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में ये आप सोचे कि कंटिन्यू बाजारों में गिरावट रहेगी, तो इस साल कंटिन्यू बाजारों में गिरावट नहीं रहेगी। बाजारों में उतार चढ़ाव बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। इस साल अल नीनो का असर रहेगा, तो किसी भी फसल में कमी आ सकती है, उसका इंपैक्ट आपको मलेशिया पाम ऑयल के बाजारों में देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया की अगर बात करी जाए, इंडोनेशिया में बायोडीजल का लगातार मैंडेट, बायोडीजल में जो मिश्रण होता है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक्सपोर्ट की सप्लाई की इसमें कमी आएगी। इस साल पहली तिमाही में केएलसी में अगर बात करी जाए, तो बढ़िया कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। दिसंबर में से अब तक अगर केएलसी की बात करी जाए, तो 450 रिंगिट और कैश में पाम में लगभग 125 रिंगिट के आसपास बाजारों में तेजी होते हुए बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। केएलसी सीबॉट पे अगर पाम वायदों में किसी तरफ भी आप ऊपर नीचे करने के फैक्टर का अभी अभाव देखा जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए, तो आज एक महत्वपूर्ण जो दिन है, यूएसडीए की रिपोर्ट आने वाली है। यूएसडीए की रिपोर्ट को लेके वायदे में जो वायदे चल रहे हैं, जो सोया सीबॉट के वायदे चल रहे हैं, उस पर आपको असर देखने की संभावना दिखाई दे रही है। केएलसी की अगर बात करी जाए, तो अब तक इस महीने में 303 रिंगिट की तेजी, लगभग 303 रिंगिट के बाद 150 रिंगिट की अपनी ऊपरी तेजी खोने के बाद लगभग 150 रिंगिट की गिरावट बाजारों में देखी जा रही है। हाई से अगर बात करी जाए, तो केएलसी में लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है। फंड को मलेशिया के पाम ऑयल में रिकवरी जैसे जैसे उत्पादन में शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से केएलसी में बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, तो मॉर्निंग हमारा 9:45 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाके वहां पर आप डिटेल लीजिए, वहां पर आपको जानकारी प्रॉपर रूप से आपको मिलती है और आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात करते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में अगर बात करेंगे, तो क्रूड आप देखेंगे कि सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए के आसपास ही रहा, जबकि कांडला पोर्ट पे बहुत जबरदस्त गिरावट है। पामोलिन का बाजार 99 रुपए, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 84 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 107 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपए रहा। जैसे कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि बाजारों में जो स्थिति देखी जा रही है, अभी होली का त्यौहार है, तो प्रॉपर रेट अभी बाजारों में नहीं आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जबकि बाजारों में पोर्ट पे अभी स्टॉक नहीं है, लेकिन होली के बाद डिमांड कमजोर होने की वजह से बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। अगर कांडला पोर्ट की स्थिति की बात करें, तो क्रूड पाम ऑयल में जोरदार गिरावट है, 906 रुपए, फॉरवर्ड में 901 रुपए। पामोलिन का बाजार जो 1020 रुपए तक हो गया था,
वहां से नौ जो पामोलिन के बाजारों में एक अच्छी तेजी जो बाजारों में देखी गई थी, जो आपने देखी थी 970 से 980 रुपए तक बाजार चला गया था, वहां से 930 रुपए हो गया। सोया रिफाइंड 1040 वाला 935 रुपए, लगभग 10 रुपए किलो की तेजी कांडला में पोर्ट पे बाजारों में देखी जा रही है। अब सोया डिगम की अगर बात करेंगे तो 865 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए। इसी तरीके सनफ्लावर 10 का बाजार 230 रुपए जाने के बाद 960 रुपए हो गया। तो सभी बाजारों में गिरावट है, जैसे कि हमने पहले ही बोला था मॉर्निंग सेशन में, जो लोग जुड़ते हैं उनको पहले ही बताया था, होली तक जो भी अपना माल अपना बुक करते हो चलिएगा, बाजारों में करेक्शन आएगा, फिर दोबारा आपको एंट्री का मौका मिलेगा, वहां पर दोबारा एंट्री करेंगे। और एग्जैक्ट लेवल आपको भी जानने हैं तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो ये जानकारी हमने आपको बताई किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। ब्राजील में अगर बात करी जाए, ब्राजील की, तो सोयाबीन की अगर चर्चा कर ली जाए, सोया तेल में क्या है, तो ब्राजील में सीजन में अगर बात करी जाए तो सोया तेल की सप्लाई टाइट रहने के आसार बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना से लगातार आवक का दबाव बना रहेगा, आवक का दबाव बढ़ना तय है। सोयाबीन साउथ अमेरिका में बड़ी फसलों की सप्लाई को पूरा करने का असर देखा जाएगा, इस कारण मार्च में सोयाबीन मील 11 से 22 डॉलर तक बाजारों में तेज होते हुए दिखाई दिए। सोया तेल की अगर हम बात करी जाए तो सोया तेल को लीड पाम ऑयल की शॉर्टेज की वजह से सोया तेल में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, इस वजह से इसमें 55 से 82 डॉलर तक बाजारों में तेजी देखी गई। कुछ ही सप्ताह में पाम ऑयल में उत्पादन और रिकवरी शुरू होने वाली है, तो फिर से बाजारों में आपको एक बार बाजारों में एक पैनिक की स्थिति होती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। अब बात कर लेते हैं केएलसी क्या स्थिति है, तो केएलसी कल -99 रिंगिट की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जो मलेशिया में उत्पादन बढ़ने की खबरें आई थी इस वजह से आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण बाजार बंद रहेगा। सीबॉट की अगर बात करी जाए तो सीबॉट पर भी लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई, सीबॉट का बाजार -75 सेंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। सॉरी, अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का अगर लोकल बाजारों का सपोर्ट देखा जाए तो 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपए, मस्टर्ड का सीड का सपोर्ट का लेवल 5300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक पे अगर देखा जाए तो खाद तेल बाजारों में अभी आप पोर्ट पे प्रॉपर स्टॉक अभी नहीं है, लेकिन होली के बाद डिमांड बिल्कुल भी कमजोर है, डिमांड उस तरीके से नहीं है, उसका इंपैक्ट आपने पूरे कांडला पोर्ट से लेकर सभी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। लोकल बाजारों में तो उतने भाव फिर भी नहीं घटाए, लेकिन पोर्ट पे आपको स्थिति दिखाई दे रही है। सोया तेल का भाव अगर हम बात करेंगे तो सोया तेल का बाजारों में आप देखेंगे कि बाजारों में ऊपरी स्तर से एक दबाव देखने की स्थिति देखी जा रही है। लोकल बाजारों में अब किस तरीके से बाजार करेक्ट होता है ये अब देखने वाली बाजारों में स्थिति रहेगी। तो फिलहाल के लिए मार्केट का हमने आपको आउटलुक बता दिया। फिलहाल सरसों की आपको जो क्रॉप आने वाली है उसका इंपैक्ट भी बाजारों में, सरसों की जो क्रॉप चल रही है उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।